हम लोगों ने रमजान और मुबारक के रोजे रखे, हम लोगों ने अपने सदकात को अदा किया, हम लोगों ने अपने जकात को अदा किया, हम लोगों ने शबे कदर की कदर किया, हम लोगों ने उलमा की कदर किया, हम लोगों ने माहे रमजान ऐसे मुबारक मेहमान की कदर किया, जिसका नतीजा ये मिला पाक परवरदिगार आलम ने आज हम लोगों को इस ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज नसीब हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त दामन गिर होता है और टाइमन करीब होने वाला है, इसलिए गंदी गुफ्तगू की परवेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सुनाते ही रहता हूँ, सुनाते ही रहूंगा। तो ये बात पड़े उम्मा हूँ मैं सभी अला सैयदना मौलाना मोहम्मद इमादुल जूद वाल कलाम बारिक सल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, वक्त मुतय्यना हमारे और आपके माबैन हो चुका है, 8 बज रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान अन करीब ही जमात कायम होने वाली है। अजीब खबर कि मैं आप तमाम हजरात को नमाज पढ़ने का तरीका बयान कर दूँ, क्योंकि साल में 2 बार मौका मिलता है और इंसान भूल चूक से है, इसलिए ध्यान से बात निकल जाती है कि साल में पढ़े हैं पता नहीं कई मरतबा हाथ उठाए हैं, कई मरतबा तकबीर पढ़े हैं, याद नहीं रहता, हम लोग भूल चूक से हैं। इसलिए मैं तरकीब नमाज को बयान करके और मैं इंशाअल्लाह रहमान पढ़ने से चला जाऊंगा। आप हजरात जगह दे चुके हैं तो अच्छी बात है, जिनकी जगह न मिली है और आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि पीछे से आने वाले के लिए जगह होनी चाहिए। और जो हजरात खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बैठ जाएं ताकि पता लग जाए कि मुकम्मल तौर से हम और आप तबल्ली कर चुके हैं। और जो हजरा